जम्मू कश्मीर के राजौरी से, जहां बजरंग दल की तरफ से बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा की जा रही है तैयारी। खबर के बारे में विस्तार जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट गो, जल्दी हो जाना तो फास्ट गो बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध, ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर जम्मू कश्मीर के राजौरी से, जहां तहसील सुंदरबनी में बजरंग दल सुंदरबनी की तरफ से सुंदरबनी के मैदान में बाबा बुदाना युनाती की यात्रा पूरे जोरों शोरों के साथ निकाली जा रही है। बजरंग दल के प्रमुख अमित कुमार शर्मा से विशेष बातचीत। देखे अखनूर से रिपोर्टिंग इंचार्ज चैनल जोगिंदर पॉल शर्मा की रिपोर्ट। सर, बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा तो किस तरह की तैयारियां? जी, मेरा नाम सर्वप्रथम मेरा नाम जो है अनीश गंडोत्रा, मैं ईओ सुंदरबनी हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये वार्षिक जो आपकी यात्रा रहती है, हम इसकी जो है सभी प्रबंध जो है उसमें हमें जो दी गई थी जिम्मेदारी कि पूरी ग्राउंड क्लियरेंस की, जो तो आर्मी हर वार्षिक जो है ये आर्मी ग्राउंड में होता है, तो हमने पूरी जो यहाँ पे जो जड़ी थी वो पूरी साफ करवाई है उसके। और एक हमें दी गई थी जिम्मेवारी की बाथरूम से टॉयलेट्स की, जो हर साल यहाँ प्रॉब्लम आती है, तो इस बार हमने FRP मतलब पोर्टेबल टॉयलेट्स भी हमने यहाँ इंस्टॉल किए हैं। आप देख सकते हैं, हम सेपरेट जो है मेल फीमेल की फैसिलिटी है, तो पूरी जो यात्रियों का जो है पूरा उसका प्रबंध किया जाएगा, उनकी जो सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली जो है हमारा डिपार्टमेंट जो है काम कर रहा है। सर, जिस तरह यात्रा वापस आएगी तो उसके बाद रात को रुकने का विशेष बंदोबस्त जो है शिवकाशी में किया गया, तो सर रास्ते में कुछ ऐसी जगह भी हैं जहाँ पर रात को अंधेरा होने की जगह ज़्यादा है जिससे खतरा बहुत ज़्यादा, तो ऐसी जगहों में सर किस तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी? देखिए, सिक्योरिटी के लिए जो मेन जो हमारे जो इंस्टॉलेशन हैं, जैसे कि एक आर्मी ग्राउंड है, उसके बाद राधा कृष्ण मंदिर है, आश्रम है, तो वहाँ जो CCTV जो है इंस्टॉल किए जाएंगे प्रॉपर। आपको पता है इस टाइम जो है सिक्योरिटी सिनारियों भी थोड़ा जो है चाक चौबंद करने की पूरी जो है आवश्यकता है, इसी के हिसाब से जो है हमने जो है CCTV भी इंस्टॉल किए हैं हर जगह, और साथ में जो है जो आप कह रहे हो अंधेरा रहता है काफ़ी टाउन में, तो उसके लिए भी PDD के साथ हमारा जॉइंट जो है चल रहा है, एक कार्य चल रहा है, तो उसमें भी जो है 150 से ज़्यादा जो है हम स्ट्रीट लाइट्स लगाएंगे, और जहाँ जरूरत होगी फ्लड लाइट्स की भी पूरी जो है प्रबंध करेंगे। सर, क्योंकि 7 तारीख को पहला जत्था पहुँचेगा, मगर यहाँ के बाहर के पंडाल के साथ साथ कुछ गाड़ियाँ और उसके बाद ठेले भी अभी भी हैं, जो कि सिक्योरिटी रीजन के हिसाब से काफ़ी खतरनाक है। देखिए, आज हमारी जो ट्रैफिक वालों से भी बात हुई थी, उनकी हमारी एक जॉइंट मीटिंग भी हुई है, तो यहाँ से जो आप देख जो रहे हैं सामने जो है ये सब हटा दिए जाएंगे, उनको भी जो है हमने निर्देश दे दिए हैं रेडी वालों को कि आप महीने के लिए जो है ग्राउंड के जो सराउंडिंग में है 100 मीटर सराउंडिंग के अंदर जो है वो कोई रेडी जो है नो पार्किंग जोन बना दिया गया। सर, पिछले वर्ष की बात करें तो टॉयलेट को लेकर काफ़ी परेशानी थी, यहाँ पर टॉयलेट पर ठीक से जो बंदोबस्त नहीं था, जिसके कारण जो है यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इस बार देखिए, इस बार हमारे पास जो है एडमिट टॉयलेट्स हैं, आप देखेंगे 10 बाहर लगे हैं, तहसील ऑफिस के बाहर लगे हैं, 20 की सुविधा अंदर है, और 4 अलग से FRP भी लगाए गए हैं जो कि स्पेशल इन्वाइटीज या VVIPs के लिए, तो इस बार हमने अच्छा प्रबंध किया हुआ है, और आप देख अपनी खुद भी आप जो है इसके विटनेस हैं, इसके आप देख सकते हैं कि मेल और फीमेल का जो एरिया हमें अलग जो है डिमार्केट कर दिया है। सर, शिवकाशी सुंदरबनी में भी जो रात को यात्रा रुकेगी, तो वहाँ पर भी क्या ईओ की तरफ से, ईओ म्यूनसिपल सुंदरबन की तरफ से वहाँ पर भी कोई विशेष बंदोबस्त नहीं है? स्पेशल सैनिटेशन हमारा, जैसे आप जानते हैं कि स्वच्छता अभियान चल रहा है हर म्यूनसिपलिटी में, तो उसके तहत ही हमने जो है ये हमारी इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन है यात्रा के रिलेटेड, वहाँ सफाई का कार्य चल रहा है, तो जैसे कहीं सेप्टिक उनके जो है बाथरूम्स हैं उसको भी हम सेप्टिक जो है क्लियर करने का कार्य है, वो भी साथ साथ चल रहा है। धन्यवाद। सर, जिस तरह आप भी जानते हैं कि 7 तारीख को पहला जत्था सुंदरबनी के अंदर पहुँचेगा, तो किस तरह की तैयारी है यहाँ पर आज? आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा, जैसे कि आप सभी को विदित है कि 2005 से विश्व हिंदू परिषद बहिरंग दल जो है इसको प्रायोजित कर रहा है, और हर साल यात्रा जो है निर्विघ्न तरीके से यहाँ पर चलती है, और भव्य स्वागत जो है यात्रा का सुंदरबनी ग्राउंड में यहाँ पर रहता है, तो इस बार जो है बड़े अच्छे तरीके से स्वागत की पूरी तैयारियाँ हो चुकी हैं, पंडाल सज चुके हैं, तो जितने भी यात्री देश भर से यहाँ सुंदरबनी की पावन भूमि से होते हुए पुंछ बाबा बूढ़ा अमरनाथ के दर्शनों के लिए जाएंगे, तो उनके स्वागत के लिए यहाँ पर भव्य तैयारियाँ जो हैं पूर्ण रूप से जो है हो चुकी हैं। अभी जो है अंतिम कार्य यहाँ पर चल रहा है, और शीघ्र ही कल का दिन अपने पास है, कल जो है
पूरे अच्छे तरीके से जितने भी स्वागत की तैयारियां होती हैं, लंगर की व्यवस्था होती है, सारी व्यवस्थाएं जो हैं अच्छे तरीके से ही कल तक ये संपूर्ण हो जाएंगी। सर एडमिनिस्ट्रेशन का कितना सहयोग रहा है जहाँ से जो व्यवस्था जो जितनी भी आर्थिक व्यवस्था को देखो अपना जो जिला प्रशासन है DC रजौरी माननीय OP भगत जी, हमारे जो ADC सुंदरबनी हैं मगोत्रा साहब और पूरा जो जितना भी जिला और उपजिला प्रशासन है, पूरे प्रशासन का सहयोग हमें भरपूर मिला है। चाहे वो म्युनिसिपल कमेटी हो, चाहे वो PWD डिपार्टमेंट हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, सारे डिपार्टमेंट ने पूरा भरपूर हमें सहयोग किया है। चाहे वो हमारी भारतीय सेना हो, चाहे हमारा CRP रहती है, हर बार जो है BSF हो, सभी डिपार्टमेंट जो है बढ़ चढ़ कर इस यात्रा में पूरा सहयोग देते हैं। इसके लिए मैं उन सभी का भी अपने दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ। सर शिव काशी में यात्रा ठहरने का विशेष बंदोबस्त किया गया, पर पिछले वर्ष की बात करें तो कुछ वहाँ पर जो प्रॉब्लम आई थी जिसकी वजह से कुछ यात्रियों को वहाँ ठहरने में असुविधा का सामना करना पड़ा, तो इस बार किस तरह के? देखो ऐसा है कि परम पूजनीय अटल पीठाधीश्वर स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती जी महाराज जो हैं पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध हैं और अटल पीठाधीश्वर की अभी पदवी पे वो हैं, तो बहुत ही अच्छी व्यवस्था जो है यात्री भवन स्वामी जी के यात्री भवन में बहुत ही बढ़िया तरीके से, और जो भी अगर किसी यात्री को असुविधा आई होगी तो इस बार वो है उसको भी तैयारी जो है भरपूर तरीके से कर ली गई है। तो अगर हमारे पास यात्रा बढ़ के भी आती है तो हमारे पास राधा कृष्ण मंदिर हाल यहाँ पर पर्याप्त है, वहाँ भी पूरी व्यवस्था जो है कल रात को रुकने के लिए कर दी जाएगी। सर जम्मू से पहला जत्था कितने बजे चलेगा और यहाँ पर कितने बजे पहुँचेगा? जम्मू से यात्रा जो है 5-5:30 के बीच में वहाँ पर चलेगी और पहला जो उनका पड़ाव जो है अखनूर में रहने वाला है, अखनूर कामेश्वर मंदिर से होते हुए यात्रा वहाँ जलपान करेगी, उसके उपरांत यहाँ पर अल्पहार की व्यवस्था सुंदरबनी पावन ग्राउंड में रहेगी। तो ये लगभग 8:30-9 के बीच यात्रा जो है यहाँ पंडाल में पहुँचेगी। सर तो सर सिक्योरिटी फोर्सेज की बात करें तो किस तरह की जो इंतज़ाम है वो किए गए हैं? देखिए हम अगर अपने पुलिस प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन हो, पूरे तरीके से चाहे हमारी भारतीय सेना और बेल्ट फोर्स जितनी भी हैं, सभी ने इस बार व्यापक तरीके से पूरी सिक्योरिटी व्यवस्था की व्यवस्था यहाँ पर की हुई है। यहाँ पर एक हम कह सकते हैं कि अपनी मर्जी से परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, इस बार ऐसी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ होने वाली है। सर यात्रा की बात करें तो यात्रा जहाँ से अप और डाउन का क्या समय रहेगा? देखिए यहाँ जब यात्रा सुंदरबनी ग्राउंड में पहुँचेगी तो 1 घंटे का यहाँ पड़ाव रहेगा, उसके उपरांत हम प्रयास करेंगे कि जितनी जल्दी यात्रा यहाँ से निकल सके। और इस बार वैसे भी टाइमिंग हुई है कि 4 बजे के बाद BG से आगे जाना मना हो जाएगा, इसलिए समय से यात्रा यहाँ से जाएगी, नौशहरा होते रजौरी होते हुए BG क्रॉस करेगी, इसलिए समय से ही हर जगह यात्रा को यहाँ से जाने के लिए पहुँचाने के लिए निर्देश जो है पुलिस प्रशासन द्वारा भी जारी किया गया। तो सर अगर हम बात करें ये जो बजरंग दल की जो यात्रा है देश के विभिन्न विभिन्न कोनों से आती है, लेकिन अगर इस समय की हम बात करें तो जम्मू कश्मीर काफ़ी डिस्टर्ब चल रहा है, तो हो सकता है कि जो यात्री हैं उनमें किसी तरह को कोई भय हो, तो आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए ऐसा है कि ये जो बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा है ये एक